नमस्ते, मैं राजू भाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है किंग ऑफ आर्ट्स। तो आइए आज हम बात करेंगे वोकल वार्मअप्स के बारे में। जैसे कि जो एक्टर्स है या फिर जो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ये एक्सरसाइजेस होती क्या है, ये वोकल वार्मअप होता क्या है। जैसे वोकल वार्मअप यू होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो हम योगा क्लास में जाते हैं या फिर जिम में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें हमारा कोच या फिर ट्रेनर बोलता है कि आपको वार्म अप की जरूरत है। वैसे ही ये वार्म अप होता है हमारे थ्रोट के लिए, मसल्स के लिए, हमारे लंग्स के लिए। तो आइए हम देखते हैं इन एक्सरसाइजेस के बारे में। तो पहली एक्सरसाइज है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग को जाने से पहले, ब्रीदिंग सीखने से पहले हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेचेस की। जैसे कि स्ट्रेच बहुत जरूरत होता है। जैसे कि हम स्ट्रेच करेंगे हमारे रिब केज, जैसे ये मसल लूजनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये नेक रोटेशन हुआ, जैसे कि नेक राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ये ऊपर सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे हमारे गले पे जो होता है, हमारे जो गले के मसल्स हैं, इन पे स्ट्रेच आता है और यहाँ के मसल जो है लूज होने लगते हैं और हमारे आगे की ब्रीदिंग के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं सी, यहाँ से नीचे और यहाँ से फिर से नीचे, तो ये एक्सरसाइज जो है हमारे रिब केज को पूरी तरीके से स्ट्रेच करती है और ये मसल जो है लूज होते हैं और हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ये लाभदायक होते हैं। तो आइए अब जानते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग में हम सबसे पहले नाक से हवा अंदर भरेंगे और नाक से ही छोड़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम इनहेल करते हैं या फिर हम सांस भरते हैं, तो हमारी जो चेस्ट है या फिर रिब केज है वो फूलनी चाहिए। इसमें पेट का कोई भी काम नहीं है, हमें पेट को हलचल, पेट की हलचल नहीं करनी है। जैसे कि हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट जो है स्टेबल रहना चाहिए, ना कि उसकी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी बहुत से बार ऐसा होता है कि जब हम सांस लेते हैं हमारा पेट बाहर आ जाता है, तो ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम सांस भरते हैं तो हमारी जो रिब केज है या फिर पूरी हवा जो है, ऑक्सीजन है, हमारे चेस्ट में आना चाहिए, ना कि हमारे पेट में। तो हमारे जो चेस्ट है, जब हम सांस भरते हैं तो हमारी रिब केज फूलने लगती है। आप देख रहे होंगे मेरी चेस्ट की जो हलचल है। तो इसी, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो चेस्ट की ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और हमारे लंग्स की मसाज हो जाती है। जैसे कि हम ज़्यादा देर तक सांस को रोक सकते हैं और इसकी वजह से जो एक्ट्रेस होते हैं उनको जरूरत होती है, जैसे वो मोनोलॉग बोलते हैं, मतलब जो डायलॉग डिलीवर करते हैं, तो उस समय उनको बड़ी सांस की जरूरत होती है और ज़्यादा लंबे सांस हो तो ज़्यादा देर तक वो बोल सके और अच्छे तरीके से बोल सके, और इसीलिए ये डीप ब्रीदिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो आगे जानते हैं दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से सांस छोड़ देंगे। जैसे कि और एक बार, ये भी चेस्ट के लिए और गले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमकार।
ओमकार का चैंटिंग और ओमकार चैंटिंग। जैसे ओमकार चैंटिंग में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से ओम चैंटिंग की जाती है, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हमारे चेस्ट में रिजोनेंस पैदा करने के लिए, ताकि हमारे मसल जो है अच्छी तरीके से लूज हो और हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लंग्स की और हमारे थ्रोट की, जहाँ पे जैसे हम ओम चैंटिंग करते तो हमारे थ्रोट, नाक और फोरहेड पे रिजोनेंस यानी वाइब्रेशन आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम इनहेल करते हैं और सांस भरते हैं, जैसे हम सांस छोड़ेंगे गहरी सांस लेने के बाद, और एक बार सांस गहरी सांस, आखिर में धीरे धीरे से हमें अपनी आवाज को थोड़ा 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 पतली करते जाना है, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन से आवाज की जो वाइब्रेशन से रिजोनेंस है वो पूरी तरीके से हमें चेस्ट में फील हो जाए। और इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है हमारी सांसों पर, क्या होता है हमारे सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ। आंखें बंद करनी है अगर आप चाहते हो तो, और आपके सांस पर, आपके ब्रीदिंग पर आप ध्यान दे सकते हो। ऐसी एक्सरसाइजेस है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की लगेगी, आप जरूर ट्राई कीजिए। ओम चैंटिंग कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो, आपको कोई सवाल पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में सवाल को पूछ सकते हो। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको सवाल करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तो हमारे टीचर जो थे, हमारे टीचर हमें पूछा करते थे, हमारे टीचर ने एक बार हमें पूछा था कि जब हम सांस भरते हैं तब हम बोलते हैं या फिर हम सांस छोड़ते समय बोलते हैं। फिर से सुनिए, जब हम सांस भरते हैं तब हम बोलते हैं या फिर जब हम सांस छोड़ते हैं या फिर छोड़ते समय बोलते हैं। जरूर आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।